मैं 10-15 मिनट अपना सेशन लूंगा, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है। पहले मैं थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में बताने वाला हूँ, फिर हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 मिनट, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, और उसके बाद फिर आपके जो क्वेरी रहेंगी 10-15 मिनट हम बोल लेंगे। आज सेशन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि संडे है, मेरी क्लास ना 1-to-1 चलती रहती है संडे को, तो अभी फिर मेरा जो रेगुलर क्लास है उसकी क्लासेस लेनी है, तो आप सेशन आज मैं 1 घंटे ज्यादा का नहीं ले पाएंगे। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, जब आपकी बारी आएगी बोलने की तो फिर मैं आपको अलाउ करूंगा सभी। चलो, तो सभी का वेलकम हमारे वेबिनार में, आपने सपोर्ट किया इसके लिए आपका थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले 10 सालों से ये सारी ओकल्ट साइंसेस अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता आ रहा हूँ और प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, निमोलॉजी है, टैरो है, लाल किताब है या पामिस्ट्री है, ये सारे कोर्सेज मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपने कोई भी कोर्स करना हो इनसे रिलेटेड तो आप मेरे से कंटेंट हो सकते हैं, 10 साल हो गए मुझे ये सब पढ़ाते हुए, तो अब तक हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और MBA मार्केटिंग एंड MBA फाइनेंस मैंने किया हुआ है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि 2008 से इसी ऑकल्ट साइंस की फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। तो सबसे पहले आज थोड़ा वास्तु के बारे में बात करेंगे हम, अभी हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है रेजिडेंशियल वास्तु का, ठीक है, तो जिसको इंटरेस्ट है वास्तु में तो वो कर सकता है, तो हम अपने सारे कोर्सेज बड़े रीजनेबल कोर्स उस पर होते हैं, प्राइस पर होते हैं हमारे यहाँ, और आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज दी जाती है, ठीक है। तो वास्तु, पहली बात तो वास्तु भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोग इसको बहुत छोटा सब्जेक्ट मानते हैं, या लोग इसको ऐसा मानते हैं कि भाई हमने मकान बना लिया है, चलो अब किसी वास्तु वाले को दिखा लो और दूसरे को देख लो, उससे पूछ लो कि भाई हमने ठीक बनाया गलत बनाया, जबकि बेसिक चीज ये है कि आपका थॉट वहां से शुरू होना चाहिए वास्तु वाले। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आवाज आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है प्लीज, सभी को मैसेज में यस और नो लिख दीजिए प्लीज। यस, ओके। वो वाईफाई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था आज सुबह से ना, थोड़ा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। थैंक यू। तो लोगों के मन में ना ये बड़ी गलत धारणा बनी हुई है कि भाई वास्तु जब हम मकान बना लेते हैं उसके बाद दिखा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वास्तु तब से शुरू होता है जब आपके मन में भी आया कि मैंने मकान बनाना है, ठीक है, तो वास्तु वहां से शुरू हो जाता है, वैदिक वास्तु। ये जो आप घर में बनने के बाद वास्तु वाले को बुलाते हैं तो ये समझ आपकी तसल्ली हो रही है बस, एक्चुअल वास्तु कराना है तो आपको जब आपके मन में आया कि मुझे मकान बनाना है तो वहीं से आपके वास्तु शुरू हो जाता है। तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको ये बता सकता है कि आपको जिस नगर, जिस मोहल्ले, जिस सोसाइटी में आप मकान ले रहे हो, क्या वो सोसाइटी, वो मोहल्ला, वो जगह का नाम आपको सूट करता नहीं करता, पहली बात। उसके बाद दिशा, कि आपको किस दिशा में मकान बनाना चाहिए, कौन सी दिशा आपको सूट करेगी, कौन सी दिशा आपको लाइफ में तरक्की ला सकती है। तो हर व्यक्ति के लिए उसके नाम के अनुसार अलग अलग दिशाएं हैं कि जो उसको सूट करेंगी, ठीक है। तो अगर आप अपना मकान, अपना फ्लैट प्लॉट जो भी आप ले रहे हैं पूरा वास्तु के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए कि जिस जगह पर आपने फ्लैट खरीदना है क्या वो जगह आपको सूट करती है, उसका नाम, वो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का नाम आपको सूट करता नहीं करता। फिर उस सोसाइटी में भी अलग अलग ब्लॉक बने होंगे, या मान लीजिए किसी ने दिल्ली में रहना है, अब दिल्ली में भी क्या ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, अब कौन सी जगह आपको सूट करेगी, कौन सा एरिया सूट करेगा, आपका दिशाएं कौन सी सूट करेंगी, तो ये भी एक अच्छा कंसल्टेंट आपको बता सकता है। तो ये मतलब है,
हमारे कोर्स के अंदर हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरलुक दे देता हूँ कि हमारा कोर्स में क्या रहेगा, आप क्या क्या सीख पाएंगे। पहले तो हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, की वास्तु है क्या, फिर हिस्ट्री ऑफ वास्तु, वास्तु आया कहाँ से, फिर रिलेशन ऑफ प्लैनेट एंड गॉड एंड डायरेक्शन। तो हर दिशा, चार हमारी मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चार हमारी डायगोनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इन आठ दिशाओं के कुछ मतलब हैं अपने, इन आठ दिशाओं में प्लैनेट रूल करते हैं। आपको पता है ज्योतिष में प्लैनेट है, नौ प्लैनेट होते हैं, ये नौ प्लैनेट किसी ना किसी दिशा को रूल करते हैं। इसी तरह से हर दिशा का एक देवता होता है, तो ये आपको सारा बताया जाएगा। स्टडी ऑफ फाइव एलिमेंट, वास्तु क्या है, वास्तु सारा सारा पांच एलिमेंट की थ्योरी पर बेस्ड है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्पेस, ये पांच एलिमेंट की थ्योरी है। जिसको पांच एलिमेंट की थ्योरी समझ में आ गई वो एक अच्छा वास्तु कंसलर बन सकता है। तो हम सीखेंगे इसको कैसे बैलेंस करते हैं। फिर स्टडी ऑफ थ्री दोषा, वात, पित्त एंड कफ, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, पूरा जिसको चाहिएगा मैं पूरा लिटरेचर भेज दूंगा कि हम अपने उसमें क्या क्या कोर्स में कराने वाले हैं। स्टडी ऑफ थ्री दोष, वात, पित्त एंड कफ, आपको पता है कि एज पर आयुर्वेदा जो भी जिस भी तरह की बीमारी आपको होगी, एक नॉर्मल इंसान को हो सकती है, वो वात, पित्त एंड कफ के इम्बैलेंस होने से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के अंदर वात, पित्त एंड कफ बैलेंस है या नहीं है। ये इसका सीधा सीधा रिलेशन आपके जो पांच तत्व आप अभी बताए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनका सीधा संबंध आपके पांच तत्वों से है। जिस तरह एक ह्यूमन बींग पांच तत्वों से बना है, आप हर इंसान पांच तत्वों से बना है, अर्थ एलिमेंट, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, आप हर इंसान उसी पांच तत्वों से बना है। इस तरह आपका घर भी इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है, और ये पांच तत्व आपके घर के अंदर हर तत्व किसी ना किसी पर्टिकुलर दिशा में प्रोमिनेंट है, वहां पाया जाता है, और इन्हीं पांच तत्वों से वात, पित्त एंड कफ बनता है। तो हम आपको अभी दिखाता हूं आपको स्लाइड में, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टडी है वात, पित्त एंड कफ। फिर सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, प्लॉट का सिलेक्शन सबसे बड़ा आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है कि आपने प्लॉट कौन सा लिया है। जैसे वास्तु का सिंपल प्रिंसिपल है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द बेस्ट, तो कोई भी शेप जो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है वो रेजिडेंशियल प्लॉट के हिसाब से दी बेस्ट है। अब इसके पीछे बड़े सारे लॉजिक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर भी बेस्ट है, तो वो तो खैर एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसको कोर्स में बताएंगे। लेकिन कितने तरह की शेप हो सकती है, तो कुछ शेप बहुत बेकार है, जैसे ट्राइंगल शेप, पेंटागन शेप, ठीक है, ये शेप बहुत बेकार शेप मानी जाती है हमारे। और आपने मान लिया कोई प्लॉट ही ऐसा खरीद लिया जिसकी शेप भी पेंटागन है, तो क्या होगा, यानी कि उस शेप के रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर दूसरा आता है जी गोमुखी और शेरमुखी। अब आज तक यही नहीं पता गोमुखी और शेरमुखी का मतलब क्या होता है, देखिए। और ऐसा नहीं है दोनों शेप अच्छी है, हम किसी भी शेप को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन किस पर्पज से आप यूज कर रहे हो। अब रेजिडेंशियल पर्पज की बात हो रही है सिर्फ यहाँ। अब गोमुखी और शेरमुखी का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो है क्या, कि गोमुखी का मतलब क्या और शेरमुखी का मतलब क्या। गोमुखी का मतलब है, अब आपने देखा होगा गौ को और आपने शेर को भी देखा होगा। शेरमुखी का मतलब है आओ, शेर का मुंह कितना बड़ा होता है और पीछे का हिस्सा छोटा है, और गाय का क्या है, गाय का मुंह छोटा होता है और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, बॉडी पार्ट पीछे बड़े। तो कोई भी प्लॉट, आपका जो प्लॉट है वो प्लॉट इस तरह से है जिसका फ्रंट बहुत बड़ा है और विड्थ उसकी कम है, तो वो प्लॉट आपका शेरमुखी है। और जो प्लॉट आपका रेजिडेंशियल प्लॉट, कोई भी प्लॉट की बात हो रही है, कोई भी प्लॉट आपके पास आगे से फ्रंट उसका बहुत कम है लेकिन उसकी डेप्थ ज्यादा है, तो वो आपका गौमुखी प्लॉट है। अब दोनों अच्छे हैं लेकिन किस पर्पज से आप यूज कर रहे हो। अगर मैं रेजिडेंशियल पर्पज की बात करता हूं, तो रेजिडेंशियल पर्पज से आपका जो गौमुखी प्लॉट है वो बेस्ट माना जाता है, और शेरमुखी प्लॉट जो है वो भी बेस्ट है, लेकिन वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी बेस्ट है। तो पहली बात तो वास्तु का एक प्रिंसिपल है, कोई भी दिशा बुरी नहीं है, हर दिशा अच्छी है। उस दिशा का यूज कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उस दिशा का यूज किस पर्पज से कर रहे हो, या रेजिडेंशियल प्लॉट यूज कर रहे हो, कमर्शियल बना रहे हो, इंडस्ट्री बना रहे हो उसके ऊपर, और कौन सी इंडस्ट्री भी बना रहे हो, इसके ये भी फर्क पड़ता है कि इंडस्ट्री कौन सी, कमर्शियल शॉप कौन सी खोलने वाले हो। हर एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर दिशा है, जब आप डेप्थ में सीखते हैं वास्तु को तब आपको पता लगता है, कोई दिशा बुरी नहीं है लेकिन यूज कैसे करते हो आप, ठीक है, ये मतलब है। तो गौमुखी और शेरमुखी जैसे बताया हमने आपको। अब घर और कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत फर्क होता है। घर हमारा शांति के लिए होता है, घर में हमें चीजें डिस्प्ले नहीं करनी, हमें अपने घर के अंदर ये नहीं बताना था हम कैसे रह रहे हैं। घर हमारा एक प्राइवेट प्लेस है जिसको हम हर इंसान को दिखाना पसंद नहीं करते, हर इंसान को घर पर बुलाना पसंद नहीं करते, ठीक है। घर हमारी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई भी आए देखे, लेकिन क्या है जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसमें हम कहते हैं लोग आए हमारी कमर्शियल प्रोडक्ट पर, देखें हमारे प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें, ठीक है।
घर एक प्राइवेट चीज है, घर में इंसान शांति रहने आता है, प्राइवेसी है आपकी, लेकिन कमर्शियल प्लेस क्या है, आपको कमर्शियल में शो ऑफ करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होता है। तो इसलिए डिस्प्ले करने के लिए आपको फ्रंट बड़ा चाहिए। आप देखिएगा जिस दुकान का फ्रंट बड़ा होगा वहां सेल ज्यादा होती है, लोगों की रीच ज्यादा होती है। लेकिन घर पे क्या है, घर में कोई डिस्प्ले तो ना करना है, ना अंदर की चीज दिखानी, तो वहां पर गोमुखी प्लॉट बेस्ट होता है, यानी कि विड्थ कम हो और डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए घर की। लेकिन यही कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए सबसे वर्स्ट है, आपकी जो फ्रंट है वो कमर्शियल में बड़ा होना चाहिए और डेप्थ बेशक उसकी कम हो। तो पहली बात तो ये मतलब है गौमुखी और शेरमुखी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि घर का घर आपने शेरमुखी बना लिया तो शेर खा जाएगा, कोई शेर नहीं आता। ये सब बिना मतलब की बातें लोगों ने फैला रखी है या आधा अधूरा ज्ञान लेके लोग घूम रहे हैं। इन सबको डिफाइन किया गया है किसी एनिमल से ताकि आप समझ सकें कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप शेरमुखी प्लॉट लेंगे हमेशा, और आपने रेजिडेंशियल पर्पज से यूज करना है तो गोमुखी प्लॉट बेस्ट है। वहां पर हमें सीक्रेसी रखनी होती है, हमें ये नहीं दिखाना कि हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है, हमारा अंदर से घर कैसा है, हमें नहीं दिखाना होता। घर एक आपकी बहुत ही निजी संपत्ति है, और आप घर पर लिमिटेड इंसानों को बुलाते हो जो नियर डियर है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव है। लेकिन कमर्शियल शॉप में क्या है, आप किसी को जानते नहीं तो उसका भी वेलकम करते हैं, बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे आइए अंदर तक देखिए चीज क्या है। तो ये फर्क है। तो इसलिए गोमुखी आपका रेजिडेंशियल पर्पज से बेस्ट है और शेरमुखी आपका प्लॉट इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंगल से दी बेस्ट माना जाता है, ठीक। तो साइज, शेप, ओपन स्पेस, मेन डोर, ये बहुत चीजें आपके प्लॉट के ऊपर होती हैं कि भाई कहां पर कौन चीज रखी जाए, कहां पर स्पेस हमें खाली छोड़ना है, कहां पर मैसिव कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, कहां पर अपने अपने घर है तो मेन डोर कहां रखना चाहिए। सारी दिशाएं ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो लाइफ में, जो आप चाहते हो उसके हिसाब से आपका मेन डोर सिलेक्ट किया जाता है। फिर आपका वर्न क्या है, हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चार कैटेगरी में बांटा गया है। और चार कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आपको आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हैं, नहीं। हम क्लासिकल टेक्स्ट ये कहता है हर इंसान का जो वर्ण है वो डिसाइड होता है उसके कर्मों से। मैं जैसे राजपूत फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं पिछले 12 सालों से यही ऑकल्ट साइंस कंसल्टेंसी दे रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तो अब मेरा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रह गया, मैं अब ब्राह्मण वर्ग में आ गया। इसका मतलब है आपका जो वर्ण है वो आपके प्रोफेशन से चेंज होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सिलेक्शन करना है कि कौन सा लैंड आपको सूट करेगी। इस तरह भूमि के भी चार प्रकार बना दिए गए हैं, ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्रा भूमि। सोचिए भूमि के भी प्रकार होते हैं। अब मैं ब्राह्मण वर्ग का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर शूद्र भूमि पे काम करूंगा या मैं शूद्र भूमि पे रहूंगा तो वो भूमि मेरे लिए कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकती लाइफ। तो अब आपको ये नहीं पता कि आपका जो मकान है या कमर्शियल काम कर रहे हो वो किस भूमि पे है, तो भूमि को पहचानना आना चाहिए। तो वो पूरा कोर्स में आपको सिखाते हैं कि कैसे हम किसी जगह को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भूमि में बांटेंगे, और आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी की भूमि पर अगर मकान बनाकर रहते हैं या कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, ठीक है, वरना नहीं मिलने वाली, ठीक। ये फिर है हिस्ट्री ऑफ वास्तु, बताया आपको वास्तुवेद। वास्तुवेद का मतलब है जो भी आपका घर है, अब घर के सामने क्या चीज बनी हुई है, घर के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो पहली बात तो सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में यही देख लिया जाता है कि आप जो प्लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं। आप अपने जैसे में लोगों के बीच में रहना चाहिए, ये उसकी गाइडलाइन है वास्तु की, कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मतलब कोई व्यापार करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप अगर जितना बिजनेसमैन के बीच में रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगा। इस तरह जो सर्विस क्लास लोग हैं वो सर्विस क्लास लोगों के बीच में रहेंगे तो ज्यादा वो आसानी से जीवन जी पाएंगे, वरना तो एनर्जी क्लैश होती है। आपको पता है जो सोसाइटी, आप इससे सिंपल देख लेना, जो सोसाइटी किसी एक कम्युनिटी की सोसाइटी है, मान ले गुजराती फैमिली है सारी, वहां पर डीपीएस सोसाइटी है, सीजीएसएस की सोसाइटी है, डॉक्टर्स की सोसाइटी है, वहां झगड़े नहीं होते कभी भी। झगड़े कहाँ होंगे, झगड़े उस सोसाइटी में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे जब आरडब्ल्यू की मीटिंग होती है, जहां पर मल्टी कल्चर लोग, मल्टी एक्टिविटी के लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर झगड़े की प्रॉबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। सबकी अपनी अपनी थॉट है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। मान लीजिए कोई टीचर है, डीपीएस स्कूल है, सोसाइटी है, उसके टीचर्स की एक सोसाइटी है, और पता है सारे टीचर हैं, सबकी वही सैलरी है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की ज्यादा है, सबने पढ़ाना है, तो वहां झगड़े किस बात के होंगे। लेकिन एक सोसाइटी है, वहां बिजनेसमैन भी रह रहा है, वहां सर्विस क्लास भी रह रहा है, वहां बहुत हाई पैसे वाला भी रह रहा है, फिर कम पैसे वाला भी रह रहा है, तो वहां एनर्जी का क्लैश होगा ही होगा। तो शास्त्र पहले कह रहा है भाई सोच समझ के अपना प्लॉट सिलेक्ट करो, सोच समझ के अपनी सोसाइटी सिलेक्ट कर लो, तो झगड़े नहीं होने वाले। अब इसके आगे कोई रेमेडी पूछने जाएगा कि ये हमारे सोसाइटी में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो अब इसके क्या रेमेडी देगा कोई। शास्त्र पहले कह रहा है कि पहले सोच समझ के रहना चाहिए था आपको। तो ये मतलब है जब प्लॉट सिलेक्शन करते हो, साइट सिलेक्शन करते हो, और बहुत चीजें देखी जाती है, साइट सिलेक्शन कौन सा शेप ली है,
फिर जो सोसाइटी जो आपने प्लॉट लिया है वो कमर्शियल एक्टिविटी से कितना दूर है। हमारे यहाँ सिंपल रूल है कि जितना आप रेजिडेंशियल प्लॉट आपका कमर्शियल एक्टिविटी से दूर होगा उतनी ही शांति रहेगी। आप देख लेना आप में से जितने लोग अभी यहाँ लाइव बैठे हैं, अगर आपका मकान कमर्शियल एक्टिविटी के बिल्कुल पास में है या उसी वहीं पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है और वहीं आपका रेजिडेंस है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेंटल पीस आपको नहीं आने वाला, वहां से बीमारियां कभी नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि इंसान का जो घर होता है उसको मंदिर बोला गया है, और आपको पता है हमारे देवी देवता मंदिरों में कहाँ बैठे हैं, तो हमने मैन मेड मंदिर बना लिए हैं गली मोहल्लों में, यहाँ कुछ नहीं है मंदिर में। मंदिर क्या, भगवान कहाँ बैठते हैं जाके, जहाँ शांति होती है, जहाँ शांत वातावरण होता है, ठंडा वातावरण होता है। भगवान कभी भी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं बैठते। तो हमारे यहाँ घर का मन, घर एक मंदिर का मतलब ये है कि घर में ऐसा शांत वातावरण में बनाना पड़ता है जहां पर बाहर के एनवायरमेंट, बाहर की एनर्जी हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है, अगर अब ऐसा होता है तो घर में इंसान क्या होता है, रिलैक्स होने आता है। अब हर इंसान आज की डेट में तो कमाने जा रहा, चलो पहले तो फिर भी मान लेते घर का जो मेन हेड है वो कमाने निकलता था, बाकी सारी फैमिली घर रहती थी। अब तो चार मेंबर तो चारों चारों कमाने जाते हैं, घर पे आके उनको रिलैक्स चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन अगर आपका घर, आपका मकान किसी कमर्शियल एक्टिविटी के पीस बीच में है या उसी घर में कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है, तो उस घर में कभी पीस ऑफ माइंड नहीं आ सकता। और अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके घर में, तो आपका मेंटल लेवल कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकता। और जिस इंसान का मेंटल बैलेंस नहीं है तो फिजिकल बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल जो बीमारियां लग रही हैं ज्यादातर आपको मेंटल से आ रही हैं। ये बता दूं मैं आपको, ये आपको गलत फहमी है कि आपको वैसी बीमारी हो रही है, सारी बीमारियां आपके मेंटल लेवल से गवर्न हो रही हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना, जितनी लालच बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारी है, ये आपके थॉट प्रोसेस से आ रही है आपके घर के अंदर। और आप, क्योंकि आपका थॉट ही स्टेबल नहीं है, ठीक है, मेंटली इम्बेलेंस है वो में बैठे हो, आप हर वक्त टेंशन में बैठे हो, एंजाइटी में बैठे हो, तो क्या होगा, वो एंजाइटी धीरे धीरे मेंटल से फिजिकल प्लेन पर आने शुरू हो जाती है, और वो फिर बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन को अफेक्ट करती है, फिर आप बीमार पड़ जाते हो। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, तो सुधारो इस बात को। तो घर दूर रहो, शांति चाहिए घर के अंदर। और वास्तुवेद का मतलब है, मान लिया आपने मकान बनाया है, तो मकान आपका ऐसी जगह हो सकता है कि मान लिया चौराहे पर है, वहां पर आपके मकान को कोई रोड टच कर रही है, आपके प्लॉट को कोई ऐसी है, टी पॉइंट पे आपका मकान है कि रोड टच कर रही है आपके मकान, तो वो उसको बोलते हैं वेद, इसको बोलते हैं मार्ग वेद। एक वेद होता है आपका, आपके मेन डोर के सामने, ठीक है, कोई खंबा आ गया, कोई पेड़ आ जाए, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, किसी दूसरे का कोना आ सकता है, किसी दूसरे मकान का बहता हुआ पानी आ सकता है आपके मकान में, ठीक है, ये सारी जितने भी चीजें हैं ये वेद है। और वेद का मतलब होता है वेदना, मतलब वेदना एक ऐसा वर्ड है कि ऐसा दर्द जिसको ना सहन करते बनेगा ना बताते बनेगा किसी। तो घर में लोगों में ऐसी एंजाइटी आ जाएगी कि उनको समझ भी नहीं आएगा कि किस बात की टेंशन हो रखी है। हर तरह से शास्त्र ने बताया है कि घर के सामने पेड़ है तो क्या मतलब है, कोई बिजली का खंभा है तो क्या मतलब है, ठीक है, किसी के कोना आता है तो क्या मतलब है। सिंपल से एक दो चीजें मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना इस बात को बेशक। अगर घर के सामने आपका पेड़ है कोई, और पेड़ आपके मेन गेट से बिल्कुल पैरेलल में है, 180 डिग्री पर है, सामने है, मतलब आप अपने मेन गेट पे खड़े हो जाएं और पेड़ सामने नजर आता है, और पेड़ का डिस्टेंस और आपके मेन गेट का डिस्टेंस सिर्फ इतना है कि अगर पेड़ को लिटा दिया जाए और वो आपकी बाउंड्री को टच करे, मतलब आपके घर को टच करता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके घर पर आ रहा है। और शास्त्र कहता है जिसके घर में ऐसा होगा, मतलब जिसके मेन गेट के सामने ऐसा होगा, वहां के बच्चों को तकलीफ रहेगी। आप देख लेना मैक्सिम घरों में बच्चों से तकलीफ या बच्चों को तकलीफ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर किसी के घर पे दूसरे के घर का बहता हुआ पानी, गंदा पानी अगर आपके मकान को टच कर रहा है, सामने से आ रहा है, साइड से निकल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके धन बोला गया है, मतलब कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको आप चाहते हुए भी रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आपकी जो मनी है अननेसेसरी खर्च होने वाली है। तो इतने सारे रूल बताए गए हैं, बहुत सारे रूल हैं ऐसे, तो आप कोर्स में आएंगे तो सिखाएंगे। ये वास्तुवेद, मतलब आपके घास पास का एनवायरमेंट कैसा है, वो आपकी घर को इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है आपके। वास्तु दो तरह से देखा जाता है, एक तो इनसाइड घर के अंदर की व्यवस्था कैसी है, घर में क्या कौन सी चीज कहाँ बनी है, ठीक है, एक होता है आउटसाइड वास्तु कि घर का आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, दोनों आपके घर को इम्पैक्ट डालते हैं। जब प्लॉट सिलेक्शन में एक बात और कही गई है कि मान लीजिए आपने प्लॉट ऐसा सिलेक्ट कर लिया कि आपका 100 गज का प्लॉट है, बाजू में जो आजू बाजू आपके प्लॉट है वो 400 या 500 गज के प्लॉट है, और आपने बनाया 2 मंजिली प्लॉट, फ्लोर बनाया उन्होंने 5-5, 7-7 मंजिली बना रखे हैं, तो एक ऐसी टेंसाइल फोर्स, एक ऐसी अनैचुरल फोर्स आपके घर को इम्पैक्ट कर ली है, आप समझ नहीं सकते आप पे कितना दबाव आ रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप हर बच्चा, हर इंसान जो उस घर में रह रहा है, इतनी बड़ी एंजाइटी में जी रहा है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है, हर चीज का इम्पैक्ट आता है। इसलिए प्लॉट सिलेक्शन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती फिर बाद में,
फिर आप बोलते हो सर रेमेडी बता दो, रेमेडी क्या बताया जाएगा, उस रेमेडी नहीं होती। फिर डिटेल स्टडी होती है आपकी। अब आपके एक घर है, एक एक नॉर्मल इंसान घर के अंदर क्या क्या चीज बनाएगा, ये सारी चीज बना सकता है। पूजा रूम बना सकते हो आप, ठीक है, बेसमेंट हो सकती है, ओपन स्पेस कहाँ छोड़ना है, अंडरग्राउंड टैंक पानी का टैंक बनाना है, डाइनिंग रूम कहाँ बनाना है, स्टडी रूम कहाँ बनाना है, ओवरहेड टैंक, किचन, वेल, बोरिंग कोई खोदना है, अपने गेस्ट रूम बनाना है, पार्किंग, बेडरूम, स्टोर, ड्राइंग रूम, बालकनी, टॉयलेट, सर्वेंट रूम, बाथरूम, बार रूम, ठीक है, स्टेयरकेस, इतनी सारी चीजें। तो ये चीजें आपने घर के अंदर डिजाइन करनी है। तो कौन सी कहां पर बनानी है, ये पूरा पूरा वास्तु में आपको समझाया जाता है विद लॉजिक कि आपका आपका बेडरूम है, बेडरूम भी आपके पास पांच छह तरह के बेडरूम बनते हैं आपके घर के अंदर अगर आपका जगह है तो। पहला होता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम मतलब जो बंदा कमा के ला रहा है घर पे, हेड ऑफ द फैमिली जिसको आप बोलेंगे, उसका बेडरूम। फिर एक है आपके पेरेंट्स का बेडरूम, एक आपके बच्चों का बेडरूम, एक है कोई यंग कपल है, भाई साथ में रहता है, छोटा बड़ा बेटा हो गया है, वो यंग हो गया, उसकी शादी होगी, तो वो कपल बेडरूम, यंग जो कपल है मतलब मैरिड, नैनी शादी हुई इसकी, उसका बेडरूम अलग बनता है। इसके बाद यह है कि एक गेस्ट रूम बनेगा, एक सर्वेंट रूम बनेगा। तो छह तरह के रूम होते हैं बेडरूम बना सकते हो। इन छह तरह का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग है, ये नहीं जिस तरीके से आप मास्टर बेडरूम को चूज करेंगे उसी तरह से सर्वेंट का रूम भी चूज करेंगे। सबके लॉजिक है क्यों किसी डायरेक्शन में हमने मास्टर बेडरूम बनाना है और क्यों उस डायरेक्शन में उस मास्टर बेडरूम के अलावा वहां पर कोई और रूम नहीं देना। सिंपल सी बात है, सबको पता है जी मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनना चाहिए, ये तो पता है, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता कि क्यों साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम को बनाया जाता है। इसके सारे बहुत सारे लॉजिक है, लेकिन मैं एक लॉजिक आपको देता हूं। साउथ वेस्ट में क्या होता है, जैसे पांचों एलिमेंट मैंने बताया आपको कि पांच एलिमेंट आपके घर के अंदर किसी ना किसी डायरेक्शन में मिलते हैं। जो साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट का जो जोन है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, वहां सबसे ज्यादा मिलता है आपको अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थ एलिमेंट आपको स्टेबिलिटी देता है, पावर देता है, ठीक है, और हेड ऑफ द फैमिली के पास ही पावर, रिकॉग्निशन, ठीक है, स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होना चाहिए, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली के पास। तो पहला रीजन ये है कि इसलिए वहां पर आपको हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम दिया जाता है। दूसरे और भी बड़े लॉजिक है, एक लॉजिक और बताता हूं मैं आपको। जिस तरह तीन तरह के गुण होते हैं, सात्विक, राशिक और तामसिक गुण, तो ये तीन गुण के मतलब है वो आपको कोर्स में बताऊंगा मतलब, लेकिन तामसिक गुण का मतलब है निष्क्रिय, निष्क्रिय हो जाना, बिल्कुल लेथार्जी हो जाना। और हेड ऑफ द फैमिली को सबसे ज्यादा रिलैक्स चाहिए होता है, क्योंकि उसने फिर अगले दिन अपने को तैयार करके कमाने के लिए निकलना है। घर पर वो आता है शांति के लिए, सुबह बेचारा 8 बजे निकला है सुबह, रात को 10 बजे 11 बजे किस एंजाइटी में वो दिन भर रहा है, अपने आप को रिफ्रेश करने, अपने आप को शांति के माहौल में वो घर में व्यतीत करने आता है, सो के रिलैक्स हो जाए, अगले दिन फिर काम पे निकलना है। तो उसको लिए रिलैक्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, हेड ऑफ द फैमिली के लिए सेफ्टी एंड रिलैक्स, ये दो चीजें मेन प्रायोरिटी होती हैं। तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं, यहाँ से स्टेबिलिटी मिलती है आपको, यहाँ से सेफ्टी मिलती है और यहाँ से आपको रिलैक्स भी मिलता है, क्योंकि ये जोन क्या है, अर्थ एलिमेंट का, अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा इनएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर बेडरूम बनेगा तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे और आपको गहरी नींद आएगी। दूसरा ये तामसिक जोन है, तामसिक जोन का मतलब है इनएक्टिव जोन, और सोने के लिए क्या चाहिए, एक इंसान को सोने के लिए इनएक्टिव होना पड़ता है मेंटल और फिजिकल लेवल पर, और इसलिए ये जोन फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों को रिलैक्स करता है, इसलिए यहाँ पर अच्छी नींद आती है और इसलिए यहाँ पर इसका बेडरूम बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से लॉजिक के साथ छह के छह बेडरूम आप डिजाइन कर सकते हो विद लॉजिक कि क्यों, कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है वहां, कौन सा देवता है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है। तो ये सारी सारी चीजें मिलाकर आपको समझाया जाता है कि कौन सी चीज कहां पर एलोकेट की जाती है, ठीक है। फिर अभी तो बहुत सारा कुछ रह गया हमारे लिए दिखाने के लिए आपको, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, फिर मेरा अभी बैच भी शुरू है 3-4 बजे से। तो इसके बाद रेमेडीज है, हमारे पास रेमेडीज की जितनी खान है किसी के पास नहीं, एक कोर्स के अंदर जितनी रेमेडीज है। इस कोर्स के अंदर मैं महावास्तु से लेकर आपका वैदिक वास्तु से लेकर मॉडर्न वास्तु तक सारे कवर होते हैं हमारे यहाँ। जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो महावास्तु पढ़े पढ़ाए लोग भी हमारे पास आते हैं, उनको पता लगता है कि जितना उन्होंने वास्तु पढ़ा है उतना ही वास्तु नहीं है, महावास्तु पूरे वास्तु का 10% है बस, ये समझ लेना। जो लोग महावास्तु करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें वास्तु आ गया, वो वैदिक वास्तु का 10% है, और वो सारी चीजें जो वैदिक वास्तु में किसी और टर्मिनोलॉजी के साथ बताई गई है वही महावास्तु वालों ने नाम चेंज कर बता दिया। जैसे वो बोलते हैं 16 जोन वास्तु, ठीक है, 16 जोन वास्तु, 16 जोन वास्तु पहले से लिखा हुआ है हमारे यहाँ उसको 16 कमरे वास्तु बोलते हैं, उन्होंने उसको 16 एनर्जी वास्तु बोल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है, वही पांच तत्व हैं, चाहे महावास्तु करो या हमसे करो,
ठीक है, बात यह है कि वहां वो एसी में कराते हैं या उनकी फीस जरा 95 लाख रुपए, तो उनको मजा आता है आपको पढ़कर, ठीक है, वही चीजें हम बता देते हैं तो आपको लगता है चलो ऐसी बात है, थोड़ी सी बात है, बता दी कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझने का फर्क है, उनसे ज्यादा लिटरेचर हम पढ़ाते हैं, उनसे ज्यादा रेमेडी हम कराते हैं। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मेरे खुद गुरु हैं वो, मैंने ही महावास्तु सीखा है, लेकिन सीखने का पता लगा ये तो कुछ भी नहीं है। फिर हमने उससे पहले मैं वैदिक वास्तु पढ़ चुका था लाल बहादुर संस्कृत यूनिवर्सिटी 2 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेमेडी आपको कराते हैं वैदिक वास्तु। वैदिक वास्तु जब तक हम नहीं करेंगे तो आपका हर वास्तु आपका अधूरा है, चाहे वो जियोपैथी वास्तु कर लेना, चाहे वो एरोमा वास्तु कर लेना, चाहे वो आप महावास्तु कर लेना, हर वास्तु अधूरा है जब तक वैदिक वास्तु नहीं करेंगे। प्रिंसिपल आपने सीखे नहीं वास्तु के, ठीक है, सीधा महावास्तु पे पहुंच गए, और महा कहने से कोई महा नहीं बन जाता, वो भी वास्तु ही है, हमारे वास्तु को 10% है बस, ये मान लीजिएगा। तो हम रेमेडी आपको कराते हैं कि वैदिक वास्तु से कैसे रेमेडी करेंगे आप, लाल किताब की रेमेडी कैसे करेंगे, जियोपैथी वास्तु से रेमेडी कैसे करेंगे, फैंगशुई से रेमेडी कैसे करेंगे, पैरामिड से वास्तु रेमेडी कैसे करेंगे, प्लांट एंड ट्री से वास्तु रेमेडी कैसे करेंगे, महावास्तु की रेमेडी भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके अंदर। मतलब महावास्तु का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बार चार्ट वगैरह बना के कैसे उनको बैलेंस किया जाता है, वो सब हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। फिर कलर थेरेपी, फिर रुद्राक्ष, फिर क्रिस्टल, इन सबसे कैसे आप रेमेडी करेंगे, तो 10 तरह की रेमेडी मैं आपने अपने कोर्स में सिखाता हूँ, ठीक है। तो जिसको कोर्स करना है ऑल आर वेलकम, आज टाइम ज्यादा नहीं है, वरना मैं पूरा 2 घंटा सेशन लेता हूँ और 1 घंटा पूरा आपको अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है आपका, आपके लिए, थोड़ा सा मैं एक बार नजर लगवा देता हूं आपको, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं आराम से। ये हमारा एडवांस वास्तु कोर्स है, मतलब एडवांस वास्तु का मतलब ये है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा रेजिडेंशियल वास्तु कवर हो जाएगा, चाहे वो वैदिक वास्तु हो, चाहे वो आपका महावास्तु हो, सब कुछ कवर है इसके अंदर, सब कुछ। और 10 तरह की रेमेडी आपको सिखाता हूँ, 10 तरह की रेमेडी कोई नहीं बता सकता 10 तरह की रेमेडी। मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, ज्योतिष में भी केपी, नाड़ी, लाल किताब, ठीक है, और टैरो सब पढ़ाता हूँ, इसलिए इतनी सारी रेमेडी मैंने बना रखी है। अब ये हमारा पूरा कोर्स है, अब ये देखिए कितना बड़ा कोर्स है, मैं एक ओवरलुक दे रहा हूँ, मैं सारा नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। ये सारा व्हाट इज वास्तु रियली मींस, नीड ऑफ वास्तु, डिवीजन ऑफ वास्तु, कितने सारे डिवीजन करेंगे वास्तु का, ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ साइट, साइट सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें, साइट सिलेक्शन में ताक की संख्या होती है, क्लासिकल मेथड है सिलेक्शन करने के, लकी कंट्री, सिटी, टाउन, सेक्टर, प्लेस कैसे निकालेंगे लकी सारे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप कौन सी है, कौन सी शेप शूट करेगी आपको, कौन सी नहीं करेगी, ठीक है, रेजिडेंशियल के लिए अलग है, कमर्शियल के लिए अलग है, फिर रेजिडेंशियल के हिसाब से मेन गेट कहाँ पर होना चाहिए, कमर्शियल के लिए कहाँ पर होना चाहिए, फिर बड़ी सारी शेप है, उनके शेप के मतलब है, कौन सी शेप अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, सारा आपको बताया जाएगा। फिर है वास्तु प्लॉट, फिर वास्तु आप देखिए कई बार क्या होता है, कोई प्लॉट कटा हुआ है, कोई बड़ा हुआ है, कोई कहां से बड़ा है, कहां से कटा है, तो प्लॉट कहां से बड़ा हुआ ठीक होता है, कहां से कटा हुआ ठीक है। मान ले कोई 7 वाला प्लॉट बिक रहा है आपका, तो इसका मतलब ये नहीं आंख बंद करके खरीद लो, जो 7 वाला प्लॉट आपने खरीदा उसके हिसाब से आपने अपने वास्तु का कौन सा जोन बढ़ाया है ये देखना होता है। हर तरफ से वास्तु का जोन बढ़ाना मतलब हर प्लॉट खरीदना अच्छा नहीं होता, कुछ जोन होते हैं वो बढ़ रहे हैं आपके तो खरीद लो, बढ़िया है, वरना आपको नुकसान देना शुरू कर देते हैं वो, ठीक है। इसके बाद आता है कि 4 श्रेणी के मिट्टी के, आपको बताया आपके जो भूमि है इसके भी 4 प्रकार की भूमि होती है और आपके भी 4 प्रकार के वर्ण है, तो पहले ये तो देख लो कि आप किस वर्ण के और कहां पर रह रहे हो। अगर आप ब्राह्मण वर्ग के हो, बताया मैंने, और शूद्र कैटेगरी की मिट्टी में जाके रहोगे तो प्रॉस्पेरिटी जीवन भर नहीं आएगी, जितने मर्जी लगे रहना वहां मेहनत करने के लिए, ठीक, ये मतलब है। फिर 81 पद वास्तु विन्यास होता है जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल पर्पज में यूज किया जाता है, 81 वास्तु विन्यास तो वो होता है। आपके कोई भी छोटा प्लॉट हो या बड़ा प्लॉट हो, वहां 45 देवी देवताओं का वास होता है। ये 45 देवता हैं क्या, ये एनर्जी है बेसिकली, इनमें से 32 आपके आउटर बाउंड्री पे रहती हैं, जिसके हिसाब से हम आपका मेन डोर सिलेक्शन करते हैं। तो इन 45 देवताओं के बारे में आपको बताया जाएगा, कहाँ पर मेन गेट होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, तो सारा सारा आपको बताया जाता है। फिर आपका है कलर कौन से चूज करने हैं आपने, हर एक्टिविटी के लिए, हर जोन के लिए कलर अलग है। फिर बता दूं मैं आपको, ये नहीं कि आप जोन के हिसाब से कलर नहीं ला सकते, सबसे पहले देखें किस तरह की एक्टिविटी वहां करने वाले हो आप, वो एक एक्टिविटी के लिए कौन सा कलर आपको सूट करता है, वो सारे देखे जाएगा। फिर जो आप जिस जोन में जो चीज बना रहे हो उस जोन का कौन सा कलर है, तो इसको कंबाइन करके फिर आपको कलर सिलेक्शन दी जाती है, कौन सा कलर कहां पर ठीक रहेगा।
ठीक है, फिर ज्योतिष का और वास्तु का क्या संबंध है आपस में? जो आपकी दिशाएं हैं वास्तु के अंदर, ये दिशाएं आपकी कुंडली में किस भाव को रिप्रेजेंट करती हैं? मान लीजिए आपका जो साउथ वेस्ट जोन है, ये साउथ वेस्ट जोन आपकी कुंडली के कौन से भाव को रिप्रेजेंट करता है, तो ज्योतिष का और वास्तु का क्या रिलेशन है ये भी बताएगा। फिर ये बताएंगे आपको कि आपके अगर कुंडली में कोई इस तरह का फॉल्ट है तो वास्तु में क्या फॉल्ट करेंगे आप, वाइस एंड वर्सा। अगर वास्तु के अंदर कोई दिशा आपने खराब की हुई है तो आप इसका इफेक्ट आपकी कुंडली के कौन से भाव पर आएगा और वो कुंडली का भाव आपके जीवन में क्या परिवर्तन या क्या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है, तो ये सारा सारा आपको कोरिलेट करके बताया जाता है। फिर कलर वास्तु आपको बता दिया मैंने, अरेंजमेंट ऑफ कलर आपको समझाया जाएगा सारा। फिर सारी वही चीजें हैं कि आपके घर के अंदर जितना वाटर एलिमेंट है, अंडरग्राउंड ओवरहेड वो कहाँ होना चाहिए, फिर आपके टॉयलेट बाथरूम सारे जितने आप चाहते हैं, फिर आपके मैक्सिमम विंडो वेंटिलेशन कहाँ पर होना चाहिए, मेन डोर कहाँ पर होना चाहिए, वेद है तो उसका क्या उपाय करेंगे, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर घर के अंदर क्या चीज रखनी है क्या चीज नहीं रखनी, हर हमसे हमेशा ये लोग पूछ लेते हैं सर ये चीज खरीदिया घर में लाए ना लेना है, तो वो आपको तरीका बताया जाता है कि आप कैसे जज करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट घर के अंदर होने चाहिए कौन से ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्लैनेट से गवर्न हो रहा है। और हम घर के अंदर सिर्फ शुभ ग्रहों को स्थान देंगे, अशुभ ग्रहों को जगह स्थान नहीं देंगे अपने घरों, तो आप कैसे कोरिलेट करेंगे सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर जितनी तरह के रूम आप हो सकते हैं, आपने घर के अंदर बार बनानी है तो कहाँ बनेगा बार, आपने एक लॉबी बनानी है, आपने अपना ड्राइंग रूम है, आपका अपना किचन है, स्टेयर केस है, लिफ्ट है, कहाँ बनाना है, वो सब भी सब चीज आपको सिखाई जाएगी। तो ये पूरा कोर्स है, किसी को चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा सारा कोर्स कि हम क्या कराने वाले हैं इसमें, तो मेरे को पर्सनल विंडो पर आप टच कर सकते हो और मैं वहाँ आपको सारा लिटरेचर भेज दूंगा कि हम क्या कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी रेमेडी मैंने आपको बता दी है, वैदिक रेमेडी होगी। वैदिक रेमेडी है मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि, इन पांच तरह से रेमेडी वैदिक रेमेडी कर सकते हो आप। फिर माँ वास्तु में 16 जोन की जो रेमेडीज होती हैं वो आपको सिखाया जाएगा, 16 जोन बनते कैसे हैं, इन 16 जोन की रेमेडी कैसे करेंगे, बार चार्ट कैसे बनाएंगे, कैसे जो हमारे एरिया इम्बैलेंस है उसको कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस भी कलर के माध्यम से कर सकते हो आप, रुद्राक्ष से कर सकते हो, क्रिस्टल से कर सकते हो, ठीक है, पैरामिड से कर सकते हो, तो पांच छह तरह से बैलेंसिंग में आपको सिखाऊंगा। फिर फेंग शुई की रेमेडी है न्यूमरोलॉजी, नंबर से मैं आपको आपके वास्तु बैलेंस करा सकता हूँ, नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कैसे आप रेमेडी करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर मिसिंग है, वो किस दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है जो मिसिंग नंबर है, उसको कैसे लाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ तो मैं उसे भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। फिर लाल किताब की रेमेडी है, वास्तु रेमेडी, पायरा रेमेडी है, पैरामिड से कैसे रेमेडी करेंगे आप, जियो वास्तु से रेमेडी कैसे करेंगे, कलर से, रुद्राक्ष से, जेमस्टोन से और ट्री से, तो ये सारी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, जिसको चाहिए मेरे से मांग लेना, मैं आपको भेज दूंगा कि हम और क्या कराने वाले हैं इसके अंदर। हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है, वैसे हमारा फीस होती थी 21,000 रुपए लॉकडाउन से पहले, मतलब जब लॉकडाउन पहले लगा था, लेकिन हमने इसको पहले अब इसको 15,000 फीस कर दी है। 15 भी हम इकट्ठी नहीं लेते हैं, 3 महीने का हमारा कोर्स है, 3 से 3.5 महीने कोर्स चलता है हमारा, और हम आपसे 5,000 रुपए महीना फीस ले रहे हैं। सबको पता है सबको फाइनेंशियल थोड़ा थोड़ा दिक्कतें हैं, तो 5,000 रुपए महीना फीस देकर हमसे सारा सारा कोर्स, और ये गारंटी है जितना हम अपने इस कोर्स के अंदर जितना मटेरियल हमने इंक्लूड किया हुआ है या जितनी तरह की रेमेडी इंक्लूड की है, आप किसी और के साथ ये सब चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं दी बेस्ट हूं मैं पढ़ाने में, वो तो आप जज करेंगे, हमारे रिव्यू देख लेना गूगल पर, फेसबुक पर, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इतना कंटेंट एक कोर्स के अंदर इस कॉस्ट पर कोई नहीं दे सकता, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो 5,000 रुपए महीना फीस है, इसमें हम क्या करते हैं, आपको 3 से 3.5 महीने हमारा कोर्स चलेगा, मतलब 16 से 20 क्लासेस लगभग होती है हमारी, इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कवर करेंगे हम। रेजिडेंशियल वास्तु होगा, कमर्शियल इंडस्ट्रियल नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो 3-4 महीने का कोर्स वो अलग से है, लेकिन ये रेजिडेंशियल कोर्स है हमारा। इसमें माँ वास्तु भी आपको सिखाया जाएगा, वैदिक वास्तु भी, ट्रेडिशनल वास्तु, और आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप उसको मॉडर्न वे में लगाएंगे वो सारा आपको सिखाया जाता है। ठीक, हमारा कोर्स 9 मई से शुरू हो रहा है, मतलब कमिंग संडे से, अगले संडे से शुरू हो रहा है। 4 to 6 क्लास होगी, संडे टू संडे क्लास होगी 2 घंटे की। इसके बाद आपको हमारी तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, जितना कोर्स मटेरियल है, आपको पीपीटी जो मैंने दिखाई है वो सारी पीपीटी आपको एज इट इज दे दी जाती है, आपको हर दिन की आपको रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप अपने यहाँ रख सकते हैं, उसको लाइफ टाइम उसको यूज कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट तो मिलता ही हमारी तरफ से, फिर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक ग्रुप बन जाता है हमारा, उस ग्रुप में हम एक्टिव रहते हैं, 16 से 20 क्लास लाइव करने के बाद वो ग्रुप एक्टिव रहता है, कभी आपको कोई क्वेरी आती है तो ग्रुप में डालिए, आपको वहां से मेरा फीडबैक मिलता है, वरना तो आप मुझे डायरेक्ट भी टच कर सकते हैं। इसी मेरी
मेरा कम्युनिकेशन करने से या क्या होता है कि इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है और आप लोगों का भी ज्ञान बढ़ता है। एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो मैं दे देता हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअल साइड पर जाते हैं कुछ दिक्कतें आती हैं आपको, तो मैं कहता हूँ जब भी आप पहली बार जाएं मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, वहाँ को दिक्कत आ रही है, मेरे को ऑन द स्पॉट आप फोन कीजिएगा और मैं आपको वहीं यहीं से बैठे बैठे आपको बता दूंगा कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। मैं अपने कोर्स में ये भी बताता हूँ कि एक्चुअल साइट से डायरेक्शन कैसे लेनी होती है, फिर उसको आपको पेपर पर कैसे उतारना है, पेपर पर कैसे उतारना है डायग्राम। मैं आर्किटेक्ट नहीं सिखा रहा, लेकिन डायरेक्शन को कैसे मेजर करना है, सैले कैसे अपने हाथ से 16 जोन बना सकते हो, हमारा काम नहीं है वैसे, ये काम आपको सारा आर्किटेक्ट करके देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपको जोनिंग कैसे करनी है, ठीक, ग्रिड कैसे बनानी है, बार चार्ट कैसे बनाना है, ये सारा मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप सीख सकते हैं और 5,000 रुपये कॉस्ट है, पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। इसके साथ साथ मेरा एक जून में कोर्स लॉन्च हो रहा है एस्ट्रो वास्तु, जिसकी फीस है 7,500 रुपये, अभी डेट फिक्स नहीं किया मैंने, जून से शुरू हो जाएगा, अब कब होता है वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसकी फीस है 7,500 रुपये। तो आप में से जो भी लोग मेरे इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं उसको मैं फ्री में एंटरटेन करने वाला हूं, मतलब फ्री में एनरोल करने वाला हूं, आपको 7,500 रुपये इस एस्ट्रो वास्तु के नहीं देने। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, बिना एस्ट्रोलॉजी किए भी आप मेरा ये कोर्स अटेंड कर सकते हो, जिसकी फीस है 7,500 रुपये। तो जो भी कोर्स को ये ज्वाइन करता है समझिए 7,500 रुपये का, तो उसको वैसे ही फायदा हो गया, ठीक है। दूसरे लोग पैसे देकर पढ़ेंगे, आप लोग इसको फ्री में पढ़ सकते हैं, जो भी कोर्स इस कोर्स में एनरोल कराता है इसके लिए हम उसको ऑफर कर रहे हैं। ये सेकंड टाइम है, पिछले बैच में भी हमने दिया था, उसमें हमारे पास 40 लोग बच्चे एनरोल हैं, और ये पहले 20 लोगों को दिया जाता है, तो उन 40 में से भी जो पहले 20 लोग हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको ये फैसिलिटी मिल रही है, और आप में से भी जो पहले 20 लोग आ जाएंगे, 4 रजिस्ट्रेशन मेरे पास आ चुके हैं, पहला एक सेमिनार मैंने परसों किया था, 4 की पेमेंट आ चुकी है, 3-4 और पाइपलाइन में है जिन्होंने बोला सर पेमेंट डलवा रहे हैं, तो जब 20 लोग की पेमेंट आ जाएगी तो ये ऑफर खत्म हो जाएगी, पहले 20 लोगों को ये 7,500 रुपये की ऑफर मिल रही है, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप जिसने सीखना है आप मेरे को पर्सनल विंडो पे टच कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, और जिसने भी सीखना है मोस्ट वेलकम है, और मैं आपको अलाउ कर रहा हूं सभी को कि आप अभी जिसने कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी मैं सबको अलाउ कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसे नहीं बोलेगा, हैंड रेज करें सिस्टम में, मैं नाम लूंगा प्लीज, तब आप अपने आपको जो भी कुछ पूछना है, आपने कोर्स से रिलेटेड है, टाइमिंग से रिलेटेड जो भी पूछना है अलग से ही पूछ सकते हो, यहाँ पे ही पूछ सकते हो। यस, मेरे पास 10-15 मिनट ही है, मेरा बैच शुरू हो रहा है नया अभी। हैव यू शेयर्ड एनी डेमो और बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वास्तु? आप ठीक है, आप डेमो तो हो ही गया, आप इसमें डेमो क्या, पिछले 10 साल हो गए पढ़ाते हुए यार, अब तक आप डेमो ही देते रहेंगे। मेरे ढेरों सारे वीडियो है, मेरे यूट्यूब पे जा सकते हो आप, वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे डेमो, 2-2 घंटे के, ठीक है, टैरो, वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी सबके मिल जाएंगे। भारत जी प्लीज। इसके बाद सरोज कुमार, भारत जी प्लीज अपने आपको अनम्यूट करो, भारत जी आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो अपने एंड से। सरोज, हेलो, हाँ भारत जी, यस प्लीज। सर इस कोर्स के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी मैं सिखाता हूँ आपको, जितनी बेसिक पड़ेगी उतनी मैं सिखाऊंगा आपको, बेसिक सिखा सकते हैं आप? हाँ बेसिक सिखाऊंगा सर, जितनी जरूरत पड़ेगी बेसिक सिखा दूंगा, जितनी इसमें वास्तु में जितनी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ने वाले वो मैं आपको सिखा दूंगा और आप सीख सकते हो। थैंक यू सरोज जी। सरोज कुमार कुछ पूछना है प्लीज। वीरेंद्र सिंह सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी वीरेंद्र जी। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और शासकीय सेवक हूँ। हाँ जी, मेरी एक छोटी सी समस्या है, मुझे जो शासकीय आवास मिला हुआ है, हाँ जी, वह आग्नेय कोण में है, उसका मुख्य द्वार आग्नेय कोण में है। ठीक है जी जी जी, तो मैं उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं हो रही है, क्या होगा तो उसका कुछ निराकरण चाहता था सर। मैं बताऊं सर, जिस जोन में मेन डोर खोलोगे
उसकी एनर्जी आपके घर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है फायर के जोन में आपने मेन डोर खोल लिया तो फायर एनर्जी ज्यादा आपके घर के अंदर आ रही है। अब ये पैसे के लिए तो बहुत बढ़िया है सर, पैसे के लिए तो बढ़िया है जी, लेकिन आपकी बॉडी की फायर बढ़ा देगी, आपकी डिजायर बढ़ा देगी। जी जी ठीक है, तो आपका पितरोग हो सकता है या फिर आपकी डिजायर कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, मटेरियल वर्ल्ड की डिजायर बढ़ जाएंगी आपकी, तो उस वजह से मेंटल टेंशन या फिजिकल टेंशन हो सकती है आपको किसी तरह की। बस जी थोड़ी फिजिकल हो रही है सर, मेंटल और फिजिकल दोनों हो रही है। बस मैंने बता ही दिया ना सर क्यों हो रही है। जी, जी, जब 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 फायर बढ़ेगी आपके घर की तो आपकी फायर बढ़ेगी, और आपकी फायर बढ़ेगी तो क्या होगा, मेंटल लेवल पे असर करेगी सबसे पहले और फिर फिजिकल लेवल पर आ जाएगी। जी 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 एक काम कर लीजिए, एक काम कर लीजिए ठीक है। जी, फायर का एंटी एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट। जी एक अपने जो साउथ ईस्ट जोन है आपका, साउथ ईस्ट का जो कमरा होगा मतलब जगह है जो आपकी, वहां पर एक वाटरफॉल की पिक्चर लगा दीजिए आप। जी जी एक बार और बताइएगा सर। कोई किसी वाटरफॉल की पिक्चर लगा दो आप एक, या थोड़ा ब्लू कलर करा दो वहां पर साउथ ईस्ट के जोन जी, में जी, थोड़ा जी, सा जी, सर। थोड़ा कराना, ज्यादा नहीं कराना जी, वरना फायर खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना जी 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 सर, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलो, और जी किसने कोर्स वोर्स के बारे में पूछना तो पूछ लो, नहीं तो अलग से भी आप विंडो पे मेरे को टच करेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या बैनर है, ठीक है, क्या कोर्स का कंटेंट है, मैं आपको भेज सकता हूँ। कर लीजिए, बेस्ट ऑफर है, मतलब इतने पैसे में आपको इतना बड़ा कोर्स मटेरियल कोई नहीं देगा, ये बता दूं मैं आपको। मेन गेट राज जी पूछ लो यार, फोन करके, मैं तो लाइव बैठा हूँ यार, मैसेज क्या करो, लाइव पूछो। कपिल जी पूछना, महेंद्र सिंह कुमार, इसका टाइमिंग आप शाम को नहीं रखते कि जो ड्यूटी वाले होते हैं वो तो शाम को? सर संडे को है ना सर, संडे को कल कौन ऑफिस जाता है? सैटरडे को भी रहता है ना क्लास? नहीं संडे को है ना, सिर्फ ये संडे को है, संडे को भी रहता है ना सर, ये संडे को है। अच्छा, ये संडे को है, ये सिर्फ संडे टू संडे है क्लास। अच्छा अच्छा, हाँ जी, 4 to 6। यस यस, 4 to 6, बाकी स्लॉट मेरे सारे फुल है सर, मैं अकेला पढ़ाने वाला, मैं 7 चीजें पढ़ाता हूँ। Yes, वैदिक वास्तु, केपी वास्तु, नाड़ी वास्तु, लाल किताब, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, और आपका ये लाल किताब, केमिस्ट्री, इतने सारे कोर्स हैं, मल्टी मल्टीपल बने होते हैं, तो मेरे पास टाइम जो मिलता है मैं उसी में पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, पढ़ना है, पढ़ लीजिए। yes, yes. महेंद्र जी कुमार जी। हाँ सर, यस, क्या है सर? सर मुझे, मेरा घर है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में, टॉयलेट है और किचन भी है, तो अच्छा, सही रहेगा सर? दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है कि वो मेरा घर। हाँ, दोनों ही गलत है सर, एक ही होती तो फिर भी निभा लेते क्या। अब एक काम करो, चलो जो बन गया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, पहले तो अपने नॉर्थ जो किचन बनी है ना आपके नॉर्थ ईस्ट में, उसके किचन के साउथ ईस्ट में एक अन्नपूर्णा की फोटो लगा दो। यक्ष निर्माण जी, आप मेरे को पर्सनल विंडो पे मेरे व्हाट्सएप कर देंगे, वहां पर बोल देंगे सर मुझे कोर्स कंटेंट भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। अब ऐसे याद नहीं रहेगा ना किसने मांगा किसने नहीं मांगा, आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर मेरा बैनर डला हुआ है, मेरे दोनों मोबाइल नंबर हैं, दोनों मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर हैं, ठीक है, तो आप वहां से मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको कोर्स की डिटेल, फीस स्ट्रक्चर, फीस पेमेंट कहाँ करनी है, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफर, पेटीएम, फोन पे, जो करना है सारा कुछ लिंक मैं भेज दूंगा, कर दीजिएगा। ठीक है सर, एक तो ये कर दो आप, अन्नपूर्णा की फोटो लगाओ, ठीक है, ओके ओके। और एक काम और कर लीजिए, क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी आपने बना रखा है, तो एक तो आप किसी और रूम के, कोई और रूम होगा ना आपका घर में, और रूम कमरे बने होंगे आपके, उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में एक जुपिटर का मंत्र लिख कर टांग दीजिए, और वहां पर हो सके तो एक सिट्रिन का क्रिस्टल पैरामिड भी लगा दीजिए, सिट्रिन और एक जुपिटर का मंत्र, अच्छा सा मंत्र लिखकर उसको लगा दीजिए वहां किसी दूसरे रूम के नॉर्थ ईस्ट में, इतना कर लीजिए। ठीक है कुमार जी, कुमार रितु मेहरा, रितु मेहता, नमस्कार जी। नमस्कार कुमार जी, सर जी नमस्कार, दिल्ली कुमार। हाँ कुमार जी बोलो सर, मेरे को ये पूछना था, मेरा आई एम हेड ऑफ द गुड, हाँ जी, SSW में मेरा मास्टर बेडरूम है, ठीक है, तो मेरा रिलेशनशिप मेरे 3-4 महीनों से बहुत अच्छा था, 4 साल पहले सब कुछ टूट गया सर एकदम, और फैमिली पार्टीशन रीजन। अच्छा, तो अभी इसको हो सकता है सर? हो सकता है, देखिए आपके, देखिए रिलेशन आपके घर में अगर जब भी खराब हो गए ना, वो वाटर एलिमेंट से खराब होते हैं हमेशा, क्योंकि
घर के जब हमारे इमोशन डिस्टर्ब होंगे ना, तुम्हारे रिलेशन खराब होते हैं। हमारे घर में कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई बंटवारा तो होना नहीं, वहां पर क्या इमोशनली हम जुड़े होते हैं। जब इमोशन हमारे डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप ब्रेक होना शुरू होता है। तो देखिए कुछ वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ आपके घर का। वाटर एलिमेंट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कुछ गड़बड़ किया आपने, कुछ वहां से कुछ पिछले दिनों कुछ हटाया हो, कुछ रखा हो अलग से, वो चेक कर लो आप। ठीक है, तो एक बार वो चेक कर, कुछ भी किया तो नहीं है सर जी, नहीं किया तो कई बार क्या हमारा जो घर में गोचर के प्लैनेट घूमते हुए कई बार ऐसे आते हैं, क्योंकि आपका घर भी क्या है एक तरह से, आपको जो प्लैनेट घूम रहे हैं ना, कई बार आपके गोचर में ऐसे प्लैनेट आ जाते हैं जो आपकी कुंडली में इस तरह से बैठे हैं कि आपको खराब कर देते हैं। तो कई बार जरूरी नहीं कि वास्तु का डिफेक्ट हो, कई बार आपकी कुंडली के डिफेक्ट भी वहां आते हैं। फिर भी एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, एक स्वास्तिक लेना, पहले तो एक स्वास्तिक लीजिएगा, स्वास्तिक अच्छा स्वास्तिक लीजिएगा, उसको ईस्ट वॉल पर लगाना है आपने, ईस्ट वॉल पर, ईस्ट वॉल में, ईस्ट वॉल पर। उस स्वास्तिक के नीचे आपने क्या करना है, एक पूरी फैमिली की फोटो एक गोल्डन फ्रेम में बनाकर, गोल्डन फ्रेम होना चाहिए उसका, और पूरी फैमिली उसके अंदर जिसको आप चाहते हैं कि हमारा रिलेशन ठीक हो जाए। ठीक है, ईस्ट वॉल पर स्वास्तिक को लगाकर उसके नीचे इसको लगा दीजिए। ठीक है भाई, इतना कर दीजिए, भगवान ने चाहा आपको एग्जैक्ट ईस्ट में हो, ये ध्यान कर लेना बस। ठीक है, और अगर आपको पता हो इंद्र के कोई भी मंत्र का जाप कर देना एक बार, इंद्र के मंत्र का, इंद्र के कोई मंत्र ढूंढ लेना, नेट से मिल जाएगा आपको, उसकी रोजाना एक बार चैंटिंग कर लिया बस, तो कहीं ना कहीं हार्मोनिक की द्वार से होनी शुरू हो जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद सर। ओके चलो, मनीषा, रितु मेहता, मनीषा जैन, प्लीज जल्दी पूछिए, मेरा फिर अभी 3 बजे मेरा, 4 बजे मेरा सेशन है, क्लास है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये NNE में मेरे बेटे का टॉयलेट है, ये NNE में मैडम, अगर आपके बच्चे का टॉयलेट है तो उसका मतलब है बीमारी आपके घर में, आपने बुला रहे हो जानबूझ के, ठीक है आ जाओ, बीमारी मेरे घर के अंदर, बीमारी नहीं जाएगी आपके घर से कभी। किसी की दवाई चल रही है क्या किसी की? हाँ। चलती रहेंगे जब तक नहीं हटेगा वो। थायराइड की है मुझे प्रॉब्लम, मेरे बेटे को थोड़ा गले की प्रॉब्लम रहती है। बता तो दिया मैडम, बता तो दिया, दवाइयां खत्म नहीं होगी अभी, थायराइड चीज ऐसी है कभी खत्म थोड़ी ना होती है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है इसकी। क्या रेमेडी है सर, टॉयलेट हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो बताओ ना क्या रेमेडी दूं इसकी मैडम, वही तो बात है। चलो वो भी आपने पूछा तो देता हूं। सबसे पहले तो एक अश्वनी कुमार के मंत्र मिल जाएंगे आपको नेट से, अश्वनी कुमार, ठीक है, तो अश्वनी कुमार को पूछना शुरू करो आप। ठीक है, अच्छा, अश्वनी कुमार को पूछना पड़ेगा, चैंटिंग करनी है। हाँ, चैंटिंग करनी है। ठीक है, उनके मंत्र को चैंटिंग करो सर। मैं अगर ये ना मिले आपको, कर लो एक बार, कर लो दो बार, कर लो, कर लो आप जितना भी कर सकते हो, जितना करोगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक होगी आपके। अच्छा, हेलो सर, और भी सर कुछ है? आप फिलहाल ये करो, आपको कुछ दिन ये करो, फिर मेरे को टच कर लेना, मेरा नंबर कहीं से ढूंढना हो तो गूगल में डॉक्टर नागेश शर्मा लिख देना, मेरा नंबर अपने आप मिल जाएगा। नहीं है सर, मैंने आपके 2-3 पहले भी वेबिनार करे हैं। अच्छा, हाँ जी, चलो अच्छा लगता है हमारे वेबिनार में, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत जल्दी ज्वाइन करूंगी मैं। चलो कोई बात नहीं, कर लेना कभी, कोई दिक्कत। मैं तो कहता हूँ सीख लो ना, हम तो सिखा के राजी हैं, हम तो कंसल्टेशन तो दे देते हैं, हम तो कहते सीख लो हमसे, मैं आपकी कंसल्टेशन दूंगा तो आपका भला कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा तो कम से कम 100 लोगों का भला करूंगा, क्योंकि आप आगे 100 लोगों को तो बताएंगे कम से कम। तो मेरा मकसद है एजुकेट करने का, लोग एजुकेशन लो आप, दुनिया में भलाई करो। मनीषा, मनीषा मतलब घर का वास्तु देख के आप कब दूसरे घर में जाएंगे, न्यू घर में? वास्तु देखकर तो मैडम ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ, ज्योतिष देखकर बताया सकता है कि शिफ्टिंग कब हो रही है, वास्तु देखकर बड़ा मुश्किल है निकालना कि कब शिफ्ट होंगे इस घर से, मुश्किल है वास्तु देखकर बताना। हाँ, ज्योतिष में अगर कुंडली हमारे पास है तो फिर पता लग जाएगा कि घर शिफ्टिंग आ रही नहीं आ रहा आपकी कुंडली में। Okay. अगर कोई मिले तो मुझे भी बता देना, मतलब अगर कहीं से आपको जवाब मिले तो ये पूछ लेना बताया कैसे, या मेरे को नंबर दे देना, मैं भी सीख लूंगा, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ अभी, क्या दिक्कत है। ठीक है, बड़ा वैसे मुश्किल है, कोई वास्तु से नहीं बता सकता कब आप घर शिफ्ट करोगे। एडमिनिस्ट्रेटर आईफोन,
लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मेरा सेशन स्टार्ट हो चुका है दूसरे का। मेरी क्लास है, रेगुलर क्लास जो चलती है वास्तव में। एडमिनिस्ट्रेटर आईफोन कुछ पूछना है सर? सर अन्नपूर्णा देवी का फोटो ना? किसका? अन्नपूर्णा, हाँ अन्नपूर्णा देवी का। हाँ ओके ओके, किसमें? वेस्ट में नगना ना सर? वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ओके ओके साउथ ईस्ट। चलो ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना है तो ओपन है, मेरी तरफ से कोई भी पूछ सकता है, अपने आपको अनम्यूट कीजिए, पूछ सकते हैं। 5 मिनट और दे रहा हूँ मैं। सर बाकी के जो कोर्स है उसका टाइमिंग आप शाम को 6 बजे के बाद का रखिए ना, तो थोड़ा इजी रहेगा। सर टैरो है ना 6 बजे के बाद है, 6 से 8 है टैरो, 6:15 से, मतलब 8 नहीं, बाकी जो वैदिक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है उसका कह रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी भी अभी जो नया बैच शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, वो भी सैटरडे संडे होगा, वास्तु संडे हो रहा है, बाकी सारे कोर्सेज वो वर्किंग डेज में भी हो रहे हैं, तो हर तरह के लोग हैं सर हमारे पास। तो नहीं, अच्छा सैटरडे का जो रहेगा, सैटरडे का टाइमिंग वो भी तो आपका 6 बजे रहेगा ना? अच्छा किसका? सैटरडे, सैटरडे 6 बजे, 6:15 वैदिक ज्योतिष, 6:15 है। हाँ तो 6 बजे बाद तो लोग घर पे आ जाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक तो ऑफिस चालू रहता है लोगों का। अरे सर वैसे जिसने पढ़ना पड़ता ही है। अच्छा किसने मांगा था टैरो का? टैरो का मेरा 9 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, टैरो भी मैं हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ टैरो, और आप मेरे से टैरो का कोर्स एक बार मंगवा लेना जिसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, तो आपको पता लग जाएगा टैरो में मैं कितनी तरह की चीजें सिखाता हूँ आपको। टैरो में ज्योतिष, टैरो में न्यूमरोलॉजी, टैरो में क्रिस्टल, टैरो में वास्तु, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, टैरो भी हमारा 10 तारीख से शुरू हो रहा है मंडे से, ये लगभग 12 से 14 क्लासेज होती है, मंडे टू फ्राइडे होंगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती क्योंकि सैटरडे संडे मेरे अपने रेगुलर बैच चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे, फिर ठीक है सैटरडे संडे ब्रेक आएगा, फिर मंडे टू फ्राइडे इस तरह करते हो, 12 से 14 क्लास हम लेंगे, 6 to 8 इवनिंग में क्लास होंगी, 10 तारीख से बैच शुरू है इसका। इसका 7999 इसका कोर्स की फीस है, प्लस में 18% GST जो सरकार को जाना होता है। ठीक है, तो आप ये सीख सकते हैं, इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगा। किसने कोर्स कंटेंट मंगवाना है तो मुझे पर्सनली विंडो पर आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, मैं आपको वहां कोर्स कंटेंट और ये बैनर दोबारा से भेज दूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो, बोलिए। सर मेरा बेडरूम ना नॉर्थ, सर मेरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा ठीक है, तो क्या वो डायरेक्शन सही है? आप एज कितनी है आपकी? 37। सर मेरी मैरिज को 13 ईयर हो चुके हैं पर आज तक हम कंसीव नहीं हुआ, नो बेबी। मैडम अब मैं तो यही बात बोलने वाला था ना, मैंने इसलिए तो एज पूछी आपकी, मैं पूछ रहा था कि अगर आप मतलब उसी एज में हैं तो वहां पर कंसीव की दिक्कत आएगी। हाँ जी सर। अब आपको छोड़ क्यों नहीं देते उस रूम को? तो आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि उस रूम को छोड़ देना चाहिए, उस जगह को छोड़ देना चाहिए? सर सर और एक और रूम है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नहीं नॉर्थ, अभी तो नॉर्थ ईस्ट तो बोला आपने। हाँ नहीं नहीं सर, दूसरा रूम है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। साउथ ईस्ट में चले जाओ मैडम, 9 महीने में ही ना कंसीव हो जाओ तो बता देना मुझे। अब लॉजिक है इसके पीछे भी, ऐसे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट की जोन की दिशा है, और बच्चा पैदा करने के लिए फायर एलिमेंट चाहिए, वाटर एलिमेंट में बच्चे नहीं पैदा होते। फायर एक अग्नि होगी बॉडी में, शरीर में, रूम में, तब जाके बच्चा कंसीव करेगा। साउथ ईस्ट में आइयो, आओ फटाफट, और कंसीव करने के बाद 1-2 महीने बाद फिर आप उस जगह को छोड़ देना, ये भी बता रहा हूँ, वरना मिसकैरेज हो सकता है। ओके सर। ठीक है, छोड़ दो फटाफट उसको। बताओ आपने, अगर आपने किसी अच्छे वस्तु वाले से पहले कंसल्ट कर लिया होता तो कोई इतनी दिक्कत ही नहीं आनी थी आपको। नॉर्थ ईस्ट में बच्चे नहीं पैदा होते। ठीक है सर। ठीक है मैडम। ठीक है सर। ओके। सबसे वर्स्ट है देना है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दो, सबसे बेस्ट है। सबसे वर्स्ट है मैडम। लॉजिक, ये सारे लॉजिक सिखाता हूँ मैं आपको एजुकेट करता हूँ कोर्स में। अच्छा लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है सर इसका नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट का लॉजिक मैडम बड़े सारे लॉजिक हैं। पहला तो लॉजिक यही है कि बच्चे शादी करके आए हैं तो आगे जनरेशन बढ़ानी है ना,
वो वाटर एलिमेंट की जोन है। वाटर एलिमेंट क्या करता है, अपनी फायर को खत्म करता है, और बच्चा पैदा करने के लिए फायर एनर्जी चाहिए होती है आपकी बॉडी में, दोनों बच्चों की बॉडी में, तब जाके बच्चा कंसीव करता है। और सर अगर ईएनई का रूम हो तो वो ठीक है? ईएनई फिर भी ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा तो फायर आ रही है, चल जाएगा वो, फिर भी चल जाएगा। लेकिन बच्चे का अगर रूम देना है, अगर आपके पास कहीं नॉर्थ वेस्ट में रूम है, दी बेस्ट। सारे सबका भला करो, अपना तो होगा होगा, सबका भला करो, सीखो आके, कोई फीस ज्यादा है। हाँ जी, क्या पूछा था कोई? सर मुझे पूछना है, साउथ फेसिंग घर है मेरा, एंट्रेंस साउथ से है। एक मिनट सर, मैडम पूछ रही है, एक मिनट पूछ बोल रहा हूँ। साउथ फेसिंग है ना, देखिए कोई फेसिंग बुरी नहीं है, सुनो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है, लेकिन अगर साउथ में एग्जैक्ट जहां पर मेन गेट होना चाहिए अगर वहां पर नहीं है तो फिर वर्स्ट है। अब आपको मैं ऑनलाइन वैसे नहीं समझा सकता कहां पर बेस्ट है, ठीक है, कहां पर नहीं है। आपको पद होते हैं कि साउथ में अगर वो पद है कि 32 देवता आपके आउटर बाउंड्री पे है, अगर वो गलत देवता के पद पर अगर आपने मेन गेट बना रखा है तो फिर वर्स्ट है। लेकिन इंजीनियर मेरे से बात करेंगे, मेरे लिए सारी दिशा ठीक है, जो साउथ दे सकता है वो कोई और दिशा नहीं दे सकती, ये बता दूं मैं आपको। हाँ जी युधिष्ठिर जी बोलो। सर बहुत बढ़िया, कैसे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए, इतना बुढ़े हो गए यार आप, पिछले लोग डाई नहीं करी। ओहो अच्छा 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 अच्छा, और सब ठीक है घर परिवार? सब ठीक है, आप सुनाइए सब परिवार में ठीक है? बस सब चल रहा है सर, ब्रह्मस्थान में सीडी है और उसको हटा नहीं सकते, तो कुछ रेमेडीज बता दीजिए। एक काम कर लो सर, एक बांसुरी टांग दो बस, वहां पे बांसुरी टांग दे, बस बांसुरी टांग दो, मतलब सीडी के नीचे? सीडी के नीचे हाँ। अच्छा ठीक है, और हो सके कभी तो लास्ट जो पहाड़ी है ना सीढ़ी, हाँ जी हाँ जी, सीढ़ी है उसको धीरे कटवा के ना वहां पर क्रिस्टल के 3 कछुए लगवा देना उसके नीचे, स्टोन तो चलो फिर भी ठीक है, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपने सबसे बड़ा वायलेशन कर दिया, सीढ़ी होगा, फिक्स स्ट्रक्चर आ गया ना ब्रह्मस्थान में फिक्स्ड स्ट्रक्चर आ गया जो कभी नहीं आना चाहिए ब्रह्मस्थान में। स्टेयर क्या होता है, कलर तो ठीक है, कलर की दिक्कत नहीं है, कलर ठीक है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी चेंज कराओगे तो येलो करवा देना, येलो क्या होता है ना स्पेस एलिमेंट बढ़ाता है और स्पेस एलिमेंट का कलर है। ठीक है सर, चलो जी ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन किसी का मैं ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, मेरा फिर सेशन स्टार्ट हो रहा है दूसरा। सर मैं पूछूंगा सर, बोलो महेंद्र सर। मैंने ज्यादातर 100 रूम बड़े बड़े, इसमें मैंने ज्यादातर 200 घोड़ा का फोटा ज्यादा मैंने देखा, तो सब लगा था ऐसा, ये क्यों लगाने से क्या फायदा है? बेटा ऐसा है कि दूसरों को देख के ना, दूसरे अगर कुएं में कूद रहे हो तो खुद नहीं कूदना चाहिए पहली बात तो। चलो वो लगा, वो कमर्शियल प्लेस में लगा रखा है उन्होंने, घर में मत लगाना पहली बात तो, कमर्शियल के रूल्स अलग है, घर के रूल अलग है। वो कहाँ लगाया, किस दिशा में लगाया ये देखना पड़ेगा, हर दिशा में घोड़े लगाने के मतलब अलग हैं, फिर हर कलर के मतलब है, रेड लगाया व्हाइट लगाया उसके अलग मतलब है, तो ऐसे नहीं घोड़े ऐसे नहीं लगा रखे, किसी पर्पज से लगा रखे हो, तो दूसरे को देख के अपने को पूर्व में नहीं कूदना, पता लगे उसने लगा रखा मैं भी घर में लगा लेता हूँ, उसने तो किसी पूछ के लगाए हैं और कमर्शियल प्लेस पे लगाए हैं, कमर्शियल पे ठीक होते हैं वो, ठीक है। सर आपका ये जो कोर्स है वास्तु का, हाँ जी, ये सिर्फ रेजिडेंशियल में ही यूज करेंगे या हम अपने ऑफिस वगैरह में भी यूज कर पाएंगे? नहीं मैडम, आप ऑफिस में कर सकते हैं लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु अलग है, ओके, उसके रूल अलग है, सारे रूल अलग है उसके, लेकिन बेसिक चीज तो यही रहेंगी, एलिमेंट यही रहेंगे, देखने का तरीका यही रहेगा, लेकिन काफी रूल अलग है। अब कमर्शियल में इतनी सारी एक्टिविटी है, अब कोई मुझे बोले दुकान खोलनी है, अब दुकानें हजारों तरह की दुकान हो सकती है, तो हजार तरह की दुकान के रूल सेम तो नहीं हो सकते ना, ऐसी किसी ने इंडस्ट्री लगा रखी है, इंडस्ट्री कितनी तरह की, 100 तरह की इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत सारी तरह की इंडस्ट्री है, तो हर इंडस्ट्री के रूल अलग है, ये सिर्फ रेजिडेंशियल कंप्लीट है,
ओके और कभी भी कमर्शियल और इंडस्ट्री भी सीखेंगे तो ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक तो मैं इसमें सिखाता हूँ ना, उसमें बेसिक तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब। हाँ जी, फिर भी ऑफिस जो आप जितना पूछेंगे वो बता दूंगा, ऑफिस के भी बता दिएगा रूल्स क्या है। ओके ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, गुड बाय, थैंक यू, आपने बड़ा साथ दिया, और अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रखें, कोरोना से बचें, इसको हल्के में ना लें प्लीज, सभी से हाथ धो के रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट है मेरी, सीरियसली लें इसको, घर में रहें, स्वस्थ रहें, बस घर से ना निकले अभी, और 15-20 दिन की बात है, माहौल तो ठीक हो गई, भगवान कभी ना कभी तो अच्छा करेंगे, लेकिन अभी जो सरकार कह रही है घर में टिको, तो टिक जाओ यार घर में भाई, क्या कर रहे हैं, थोड़ी दिन की बात है। ओके चलो जी, ऑल द बेस्ट, जिसको पर्सनली मेरे को कुछ और डिटेल चाहिए तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, मेरे को कॉल कर सकता है, सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी कोर्स की। चलो ओके, थैंक यू, थैंक यू।